हेलो फ्रेंड्स, आई एम आर्यन राज सिंह। मैंने नीट 2017 में AIR 9 एंड एम्स 2017 में AIR 11 सिक्योर किया। आज मैं अपने ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा कि आप कैसे नीट के प्रिपरेशन के साथ साथ बोर्ड की प्रिपरेशन को साथ में लेके चल सकते हैं। तो बेसिकली मेरे को भी, जब मैं एस्पिरेंट, तो मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही थी लास्ट के 2 to 3 मंथ्स में कि कैसे बोर्ड के साथ नीट को मैनेज करें। अगर बोर्ड्स में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दूंगा तो कहीं नीट में स्कोर ना कम हो जाए, तो ये प्रॉब्लम और ये डिलेमा हमेशा रहता है। तो बेसिकली मैंने ये कंक्लूजन पे गया कि आप जो है बोर्ड्स को निगलेक्ट ना करें, क्योंकि बोर्ड्स को ना निगलेक्ट करने की वजह से आपको बेसिकली मैंने देखे 5 एडवांटेजेस होते हैं कि अगर आप बोर्ड्स के प्रिपरेशन को साथ साथ लेके चलेंगे नीट के, तो आपका पहले स्टडी आवर्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप स्टडी जोन में ज़्यादा देर तक रहते हो और लास्ट 3 मंथ्स में जो क्रूशियल होते हैं उसमें आपका फोकस कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है। दूसरा, जब स्टडी जोन में आप ज़्यादा रहते हो तो फिर आपका टाइम वेस्ट कम होता है, आप इधर उधर डिस्ट्रैक्शन में नहीं पड़ते हो। थर्ड फैक्टर जो होता है, जो एडवांटेजेस होता है बोर्ड्स प्रिपरेशन को साथ लेके चलने में नीट के साथ, ये होता है कि आप एजर्शन रीजनिंग जो होता है, जो नीट के बाद एम्स आता है उसमें एजर्शन रीजनिंग पूछा जाता है, उसके लिए आपका कम से कम 12th वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक। और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक और बायो जो होता है उसकी एनसीईआरटी आपकी अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है क्लास 12th की, और आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन के थ्रू सभी फॉर्मूले जो आपके फिंगर टिप में भी आ जाते हैं। चौथा फायदा ये होता है कि अगर बोर्ड्स के प्रिपेयर करते हैं तो हाई चांसेस है कि आपके अच्छे परसेंटेज आए बोर्ड्स में, जिसके वजह से बोर्ड्स के बाद आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि हाँ, मैंने बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज मैं ला पाऊंगा, मेरे पेपर अच्छे गए बोर्ड्स के, तो मैं नीट में भी अच्छा कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट 1 मंथ में आप हाईली मोटिवेटेड रहते हो कि नीट में भी अच्छा कर जाओगे। अब बोर्ड्स के बाद आपके पास नीट के लिए 1 मंथ का टाइम स्पैन रहता है, उसमें आपको बेसिकली 12th को कम रिस्पांस देके 11th को ज़्यादा रिस्पांस देने की ज़रूरत है, क्योंकि 11th में पढ़े थे ज़्यादा अच्छे से और 12th में कम रिवीजन की हो, तो अगर आप बोर्ड्स अच्छे से कर लेते हो तो 12th का पोर्शन आपका काफ़ी कुछ रिवाइज हो जाता है। आप 11th को वो टाइम डिवोट कर सकते हो जो लास्ट का 1 मंथ बचता है उसमें। अब मैं बताऊँगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कैसे बोर्ड्स में आपको मैनेज करना चाहिए नीट की प्रिपरेशन के साथ। फिजिक्स में आपको क्या करना है, बेसिकली आप कोई भी चैप्टर अगर फिजिक्स का पढ़ लेते हैं तो उसमें आपको डेरिवेशन बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। फिजिक्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगा लीजिए, और ये सब कर लेने के बाद फिजिक्स के एक बार प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के क्वेश्चन देख लीजिए, इतना आपका बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ होगा फिजिक्स के लिए। उसके बाद आपके इधर एनसीईआरटी मतलब एमसीक्यू की क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना छूट जाए, इसलिए वही टॉपिक्स के आप अपने कोचिंग मटेरियल से या फिर कोई भी साइड बुक से उन एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस कर लीजिए, उस टॉपिक के एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट रीइंफोर्स होंगे और क्रिस्टल क्लियर होंगे। केमिस्ट्री में भी आप यही चीज़ कर सकते हैं। हाँ, केमिस्ट्री में आपको बोर्ड्स के लिए हॉट्स क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन का ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि बोर्ड्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगा लीजिए, टीचर से पूछ लीजिए क्या इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए बोर्ड्स के, उसके बाद हॉट्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद जैसे फिजिक्स में आपने किया था एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर लीजिए, यहाँ पे भी टॉपिक वाइज। बायो में भी आपको सिमिलरली करना है, पर हाँ, बायो में एडिशनल आपको ये देखना होता है कि डायग्राम्स भी ड्रॉ करने को आ सकते हैं। डायग्राम्स ड्रॉ करने से आपको बेसिकली ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं किसी भी क्वेश्चन पर, ठीक। तो आपको डायग्राम्स भी प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी रीड भी करनी है, एक्सरसाइज कर लीजिए। यहाँ पर भी सिमिलरली आपको वही करना है कि मेन पॉइंट्स आप मैम से जान लीजिए कैसे क्या लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, ठीक। इसके बाद जब आपको ये हो जाए तो उसके बाद आप एमसीक्यू के क्वेश्चंस लगा लीजिए बायोलॉजी के टॉपिक में भी। अब मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि मेरे क्या गोल्डन रूल्स थे सीबीएसई और नीट को साथ पैरेलल लेते हुए। मैं क्या करता था कि मॉक पेपर जो रहता था बोर्ड्स के, मैं 3 आवर की सेटिंग में लगाता था, ठीक। और उसके बाद उसको अच्छे से एनालाइज करता था कि उसमें क्या क्या मेरे वीक पॉइंट्स थे, और वो टीचर से डिस्कस कर लेता था, जिसकी वजह से बोर्ड्स में भी मैंने 96.2% सिक्योर कर लिया। दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि जब आपका बोर्ड्स बहुत पास आ जाता है, आपके 4 to 5 डेज, हर 2 पेपर के बीच में 4 to 5 डेज का आपका गैप रहता है, तो पहले इनिशियल 1 and 1.5 डेज में आप क्या कीजिए, 11th का एक बार रिवाइज कर लीजिए वही टॉपिक। जैसे फिजिक्स का अगर बोर्ड्स का पेपर है, केमिस्ट्री का बोर्ड का पेपर हो गया, तो केमिस्ट्री के बोर्ड के पेपर बाद मेरे पर 1.5 डेज जो है मैं डिवोट करूँगा फिजिक्स के 11th के फिजिक्स को रिवाइज करने में, और फिर जो नेक्स्ट 3 डेज जो मेरे बचते हैं उसमें मैं 12th की फिजिक्स के लिए बोर्ड्स का रिविजन करूँगा। साथ ही साथ जब आप 11th का रिवीजन कर रहे होंगे फिजिक्स के, तो उसके कुछ एमसीक्यू भी लगा लीजिए। यही चीज़ पैटर्न आप बायो के लिए भी फॉलो कर लीजिए। और अगर आपके पास कम समय लग रहा है, आपको कि वो 1.5 दिन कम है 11th को रिवाइज करने के, तो सिर्फ और सिर्फ आप मेजर टॉपिक्स रिवाइज कीजिए जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके वजह से आप बोर्ड्स ईजिली टैकल कर लोगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके अच्छे परसेंटेज आएंगे, तो आप नीट में भी फिर हाईली मोटिवेटेड रहोगे और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।